एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम घर पे खीर कैसे बनाएंगे। सो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं कि हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। सो सबसे पहले हमें चाहिए होगा ये ग्रेटेड कोकोनट, जिसे हम सूखा नारियल कहते हैं। इसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। ये है साथ में कुछ इलायची, 5 से 6 इलायची हैं ये। इनको मैंने अच्छे से कूट लिया है। हम ये छिलके भी यूज़ करेंगे, इनसे अच्छा फ्लेवर आता है। एंड ये है साथ में रेजिन्स, ये कुछ 15 से 16 रेजिन्स हैं। ये हैं एलमंड्स, इनको मैंने अच्छे से कट कर लिया है पीसेज में, कुछ 15 से 16 एलमंड्स हैं। एंड ये हैं कैशियो, इनको भी मैंने अच्छे से पीसेज में कट कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो ये है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट, जो कि है 1 बोल बॉयल्ड राइस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट की तरफ, जो कि है चीनी, शुगर। मैंने यहाँ पे लिया है 1 स्मॉल बोल ऑफ शुगर। आप अपने अकॉर्डिंगली मीठा डाल सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है। एंड ये है मिल्क, यहाँ पे मैंने 2 ग्लास जो है मिल्क लिया, ये नॉर्मल मिल्क है। एंड यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है, गैस ऑन कर दी है। एंड मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, थोड़ा सा वाटर डाला है नीचे, पानी, ठीक है। ये मैंने इसलिए डाला है बिकॉज कई बार क्या होता है, नीचे हमारी खीर लग जाती है, जल जाता है दूध, उसकी वजह से फ्लेवर काफ़ी ख़राब हो जाता है, जली हुई खीर का फ्लेवर आता है, जैसे कि दूध लग जाता है ना। सो अब हम इसमें अच्छे से जो है बॉयल आने देंगे। देख सकते हैं आप, बॉयल आ चुका है यहाँ पे। अब हम इसमें डाल देंगे ये अपना नॉर्मल मिल्क, रूम टेम्परेचर पे जो रखा हुआ था। सो अब हम इस मिल्क को डालने के बाद वेट करेंगे बॉयल आने का। सो यहाँ पे मैं साथ में ही चीनी डाल रही हूँ, जिससे कि ये चीनी अच्छे से पिघल जाएगी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये बॉयल्ड राइस। सो आप देख सकते हो मैंने राइस डाल दिए हैं। अब हम इसको एक अच्छे से मिक्स करेंगे, एक मिक्स देंगे अच्छे से, जिससे कि बॉयल्ड राइस जो चिपके हुए हैं वो अच्छे से अलग अलग हो जाएं। सो आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। सो अब हम डालेंगे अपने ये इंग्रेडिएंट्स। हम ये जो ग्रेटेड कोकोनट है ये बाद में गार्निशिंग के लिए डालेंगे। सो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें, अभी तो ये फिलहाल बॉयल आ रहा है, क्योंकि बॉयल आएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो अब हम डालेंगे अपने ये रेजिन्स। सो अपने रेजिन्स हम डालते हैं, साथ में हम डाल देंगे कार्डेमन, जिससे कि फ्लेवर बनता रहे उसमें कार्डेमन का। एंड ये सारी चीज़ें हम गार्निशिंग के टाइम पे यूज़ करेंगे। सो आप देख सकते हो गाइज, मैंने यहाँ पर जो है रेजिन्स, किशमिश जिसे कहते हैं, एंड कार्डेमन इलायची डाल दिया है। एंड अब गैस फ्लेम जो है मैंने मीडियम पे कर दी है। सो अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे। जितना खीर पकेगी, मतलब दूध जितना गाढ़ा होगा, उतना ही फ्लेवर खीर का अच्छा आता है। जितनी थिक होगी खीर, उतना ही स्वाद ज़्यादा आएगा खीर का। सो हम इसको अच्छे से पकने देंगे, बॉयल आने देंगे। सो अब यहाँ पे देखिए गाइस, ये मैंने ना मैशर ले लिया है। इससे क्या होगा, ये चावल एक्चुअली खड़े खड़े जो चावल होते हैं लंबे, उनसे खीर का फ्लेवर थोड़ा ख़राब लगता है। तो इससे मैं अच्छे से मैश कर दूंगी, इससे कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो जाएगी। सो अब आप देख सकते हो बॉयल भी आ चुका है खीर में अच्छे से। एंड जो हमारे चावल पहले जो खड़े थे, अब वो अच्छे से मतलब टूट चुके हैं, जो एक खीर के लिए होते हैं। सो आप देख सकते हो कितना अच्छा कंसिस्टेंसी हो चुकी है खीर की। सो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग बाउल में इसको शिफ्ट कर दिया है। एंड यहाँ पे हम ये डालेंगे सारे गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट। सबसे पहले हम डाल देंगे एलमंड्स अच्छे से सारे, एंड उसके बाद हम डाल देंगे ये कैशियोस। एंड ये मैंने थोड़े से यहाँ पे रेजिन्स जो बचाए थे वो भी मैं हम डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। साथ में अब हम डालेंगे ये, साथ ही में हम डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर एंड टेस्ट आता है गाइज, इसको ज़रूर डालना। सो गाइज, यहाँ पे हमारी खीर बनकर रेडी है। अगर आपको ये मेरी खीर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइज। जो न्यू है मेरे इस चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।